भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के नारायण कॉलोनी इलाके में मंगलवार की सुबह डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी के पत्नी का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ बरामद किया गया था। घटना की सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर सीओ ज्ञानपुर सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मृतक के परिजनों को सूचना दे दी थी। इस मामले में मृतक महिला के मायके वालों की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में आज ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मृतका के पति डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। तस्वीरों में देख सकते हैं ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था जिसके बाद ज्ञानपुर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर कोतवाली के पीछे नारायण कॉलोनी इलाके में किराए के रूम पर डायल 112 में तैनात रत्नेश कुमार नाम का आरक्षी रहता है और उसकी पत्नी 30 वर्षीय प्रियंका चौधरी का शव मंगलवार की सुबह घर में ही लटकता हुआ बरामद किया गया था। मौके पर पहुंची ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और पुलिस ने मृतक महिला के मायके वालों को इस घटना की जानकारी दी थी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद गाजीपुर से मृतक महिला के मायके वाले ज्ञानपुर कोतवाली पर पहुंच गए थे और मृतक महिला के मायके वालों ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में वांछित दहेज हत्या से वांछित आरोपी पुलिसकर्मी डायल 112 में तैनात आरक्षी रत्नेश कुमार और मृतक महिला की सास पान देवी और अंशु नाम की एक युवती को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने आज बुधवार को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली पर आवश्यक लिखा पढ़ी करके तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।